हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है उनको देखने वाले हैं। नर्सिंग का अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे एम्स हो, ईएसआईसी हो, आरआरबी है, पीजीआई है, या अभी जो सीएचओ होने वाला है, वो सारा कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम जो होता है उसके अंदर ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड होते रहते हैं। मींस बार बार रिपीटेड रिपीट होते रहते हैं और इनके आने की प्रोबेबिलिटी हर एग्ज़ाम के अंदर कुछ ज़्यादा होती है। तो आज हम ऐसे ही 100 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपको ये पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चंस है वो इम्पॉर्टेंट है, प्लस आप खुद को भी एनालाइज कर पाएं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आप सेल्फ जो हैं इसको आंसर कर पाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इज मोस्ट एट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोल्ड चेन का जो फेलियर है वो सबसे ज्यादा उसका जो रिस्क है कौन से लेवल पे होता है। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए सब सेंटर, ऑप्शन बी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन सी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सब सेंटर एंड विलेज लेवल पे हमेशा जो कोल्ड चेन का फेलियर होता है उसका रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव स्टरलाइजिंग एजेंट इज। ठीक है, कि स्टरलाइजेशन के लिए मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए पास्चुराइजेशन, ऑप्शन बी ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन सी होटेयर एवन, ऑप्शन डी ग्लूट्रेलिहाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोक्लेविंग जो है ये मोस्ट इफेक्टिव स्टरलाइजिंग एजेंट है। और ऑटोक्लेविंग को हम स्टीम अंडर प्रेशर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टीम अंडर प्रेशर। अगर हम इसके अंदर टेम्परेचर की बात करें कि ऑटोक्लेविंग जो होता है उसमें टेम्परेचर कितना होता है, तो उसमें टेम्परेचर यूज किया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर होगा उसका 15 lbs, 15 lbs पर इंच स्क्वायर। ठीक है, और उसको करा जाता है या उसको अप्लाई किया जाता है फॉर द 15 मिनट्स। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें अब जो भी हम क्वेश्चंस देखेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओआरएस शुड बी यूज्ड विद इन। ठीक है, कि ओआरएस जो हम यूज करते हैं, ओआरएस क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको कितने टाइम के अंदर यूज कर लेना चाहिए? ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए 12 आवर्स, ऑप्शन बी 24 आवर्स, ऑप्शन सी 48 आवर्स, ऑप्शन डी 72 आवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ORS का जो सॉल्यूशन हम यूज करते हैं उसको विद इन 24 आवर्स क्या करना है, यूज कर लेना है। और अगर 24 आवर्स के अंदर हम उसको यूज नहीं कर पाते तो हमें उसको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, उसको फेंक देना है और नया सॉल्यूशन यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिम्स डिजीज इज। ठीक है, कि इनमें से किसको स्लिम्स डिजीज बोला जाता है। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए निमोनिया, ऑप्शन बी लेप्रेसी, ऑप्शन सी ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन डी एड्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, एड्स को ही स्लिम्स डिजीज बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लूकोज इन द ओआरएस कॉज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो ओआरएस के अंदर ग्लूकोज का यूज होता है वो क्या काम करता है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए प्रोवाइड स्वीटनेस, ऑप्शन बी इंक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी इंक्रीज पोटेशियम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज जो होता है ओआरएस के अंदर वो क्या करता है, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज, कि ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए ग्लूकोमा, ऑप्शन बी कैटरेक्ट, ऑप्शन सी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ऑप्शन डी रेटाइनल डिटेचमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो क्या है? कैटरेक्ट। किसका कॉज से? ब्लाइंडनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट आफ्टर आईयूडी इंसर्शन इज, ठीक है, आईयूडी क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। उसका मोस्ट कॉमन कंप्लेंट क्या होता है, मतलब इंसर्शन के बाद में? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी ब्लीडिंग, ऑप्शन सी अबॉर्शन, ऑप्शन डी इन्फेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कि आईयूडी इंसर्शन के बाद में सबसे ज्यादा ब्लीडिंग की कंप्लेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मलेरिया प्रोग्राम एमपीडब्ल्यू डज द एक्टिव सर्विलेंस इन, ठीक है, और एमपीडब्ल्यू क्या होता है? मल्टीपर्पस वर्कर। एमपीडब्ल्यू होते हैं मल्टी पर्पस वर्कर। ठीक है, तो जो मलेरिया प्रोग्राम है उसके अंदर एमपीडब्ल्यू जो होते हैं वो सर्वेलेंस कितने टाइम में करते हैं? ऑप्शन दे रखा है ए 12 डेज, बी 14 डेज, सी 20 डेज, डी 30 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कि 14 डेज के अंदर एमपीडब्ल्यू वर्कर्स जो होते हैं वो एक्टिव सर्वेलेंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिकनेस बेनिफिट अंडर द ईएसआई स्कीम इज, ठीक है, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं ईएसआई स्कीम, उसके अंडर सिकनेस बेनिफिट कितने डेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 30 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी 91 डेज, ऑप्शन डी 100 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 91 डेज के लिए सिकनेस बेनिफिट प्रोवाइड करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसेस टेक प्लेस एट एवरी, ठीक है, कि कितने सालों के अंदर सेंसेस जो होते हैं वो लिए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर और 20 ईयर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हर 10 ईयर के अंदर सेंसेस को रिकॉर्ड करा जाता है, चाहे वो पॉपुलेशन सेंसेस हो, कोई भी सेंसेस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीडब्ल्यू वॉज गिवन बाय, ठीक है, एमपीडब्ल्यू क्या है? एमपीडब्ल्यू है मल्टीपर्पस वर्कर। एमपीडब्ल्यू है मल्टीपर्पस वर्कर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमपीडब्ल्यू जो है वो किसने दिया था, मतलब किसने स्टार्ट करा था? ऑप्शन दे रखा है ए भोर कमिटी, ऑप्शन बी श्रीवास्तव कमेटी, ऑप्शन सी करतार सिंह कमेटी, ऑप्शन डी चड्डा कमेटी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, एमपीडब्ल्यू जो है वो करतार सिंह कमेटी जो थी उसने क्या करा था, प्रपोज करा था या वो लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ डे डिजीज इज, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि एट्थ डे डिजीज जो है वो किसको बोला गया है? ऑप्शन दे रखा है ए रूबियोला, ऑप्शन बी टिटेनस नियोनेट्रम, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी स्कैबिज। तो इसका करेक्ट आंसर है एट्थ डे डिजीज जो है वो टिटेनस नियोनेट्रम जो है उसको बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ डीपोर्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इज, ठीक है, क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि जो डीपोर्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी अब्डोमिनल पेन, ऑप्शन सी अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक कंटेंट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होता है वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है डीपोर्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। अगर हम यहाँ पे बात करें कि डीपोर्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो क्या होते हैं और कौन सा, मतलब डीपोर्ट कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर इंक्लूड करा गया, तो डीपोर्ट कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर एक इंक्लूड कराया गया है वो है प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्शन। ठीक है, डीपोर्ट के अंदर आया है प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल या इंजेक्शन बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसे दे सकते हैं हम, ओनली इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह के प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल्स जो है उनको यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ओनली के अंदर भी कौन से आते हैं? दो तरह के आते हैं। फर्स्ट जो है वो है डीएमपीए, फर्स्ट है डीएमपीए। ठीक
ठीक है। डीएमपीए क्या होता है? ये होता है डिपॉट मिड्रोक्सी प्रोजेस्टोन एसीटेट, ठीक है। ये है डिपॉट, डिपॉट मेड्रोक्सी, डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, एसीटेट, ठीक है। ये जो डीएमपीए होता है उसका जो अगर हम बात करें डोज का, तो वो होता है 150 mg, ठीक है। और उसको आईएम दिया जाता है एट एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने के अंदर क्या करा जाता है, इंजेक्टेबल दिया जाता है, और कितना दिया जाता है, 150 mg, ठीक है। ये तो हो गया डीएमपीए जो फर्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन ओनली इंजेक्शन के अंदर। सेकेंड जो इसके अंदर आता है वो आता है नेट ईएन, वो होता है नेट ईएन, ठीक है। नेट ईएन कौन, क्या नाम होता है इसका, ये होता है नॉर इथिस्टिरोन इथिनेट, ये होता है नॉर एथिस्टीरोन, नॉर एथिस्टीरोन एथीटेट, ये बोल सकते हैं हम एनेंटेट, ठीक है। नॉन नॉन इथिस्टीरोन एनेंटेट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें डोज की, तो इसकी डोज होती है 200 mg, ठीक है। और इसको भी क्या दिया जाता है, आईएम दिया जाता है, बट कैसे दिया जाता है, एट एवरी 2 मंथ्स, ठीक है, हर 2 मंथ्स के अंदर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा डिपोर्ट कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्सिनोमा विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कौन सा कार्सिनोमा है जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या प्रिवेंट हो सकता है वो। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन बी ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन सी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन डी ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड ओरल कैंसर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ठीक है। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो कौन सा कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं ओवेरियन कैंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिवनेस ऑफ एमसीएच सर्विसेज आर सीन बाय, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एमसीएच सर्विसेज होता है उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे देखा जाता है। एमसीएच सर्विसेज का मतलब होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। एमसीएच क्या होता है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए एमएमआर मींस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन बी आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन सी नेट फर्टिलिटी रेट, ऑप्शन डी जीडीपी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आईएमआर, ठीक है। अगर आईएमआर जो है, आईएमआर मींस क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये होता है आईएमआर, ठीक है। आईएमआर के अंदर अगर डिक्रीज हो रहा है मींस क्या है, जो हम एमसीएच सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, इफेक्टिव है, वो बेनिफिशियल है, वो हेल्प कर रहा है कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेल्फ लाइफ ऑफ कॉपर T380 इज, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि जो कॉपर T380 है उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए 5 ईयर, ऑप्शन बी 10 ईयर, ऑप्शन सी 15 ईयर, ऑप्शन डी 20 ईयर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ठीक है। जो कॉपर T380 होता है वो 10 ईयर्स के लिए क्या देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉपर T380 के बारे में बात करते हैं, कॉपर टी जो है वो एक तरह की आईयूडी होती है। आईयूडी होता है इंट्रा यूटराइन डिवाइस, ठीक है। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। अब आईयूडीज जो होती है वो 3 तरह की होती है, ठीक है। आईयूडीज जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक होता है फर्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट होता है सेकेंड जनरेशन, और लास्ट होता है थर्ड जनरेशन, ठीक है। 3 तरह की आईयूडीज है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन की आईयूडीज होती है ना, उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, लिपेज लूप,
इसको बोल सकते हैं लिप्स लूप बोलिए या लिपेज लूप बोलिए, जो भी हो, ठीक है। जो सेकेंड जनरेशन की आईडीज होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसको अंदर एक तो आता है कॉपर टी 200B और एक आता है कॉपर टी 380, ठीक है। ये दोनों किसके अंदर आएंगे, सेकेंड जनरेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मतलब आईयूडी, ये जो कॉपर टी है, इसका मतलब क्या होता है कि जो डिवाइस होती है उसको कॉपर से ऊपर से कोट करा जाता है, कोट मतलब उससे कवर कर दिया जाता है, ठीक है। जो कॉपर टी 200B होती है वो क्या करता है, 4 ईयर के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन सा, कॉपर टी 200B। और जो कॉपर टी 380 है वो हमने देखा कितने ईयर्स के लिए प्रोवाइड करता है, 10 ईयर के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईओडी होती है, ठीक है। कॉपर टी 380 जो होती है, क्या होती है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईओडी होती है, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईओडीज कौन सी होती है। और जो लास्ट है थर्ड जनरेशन, ठीक है, जो थर्ड जनरेशन होता है ना, उसके अंदर एक्चुअली दो डिवाइसेस यूज करी गई है। एक तो उसके अंदर यूज करा गया है प्रोजेस्टेरेस्ट, एक यूज करा गया है इसके अंदर प्रोजेस्टर सर्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी एक टी शेप की डिवाइस होती है जिसके ऊपर 38 mg क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोन होता है, ठीक है। 38 mg क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोन होता है। और जो सेकेंड इसके अंदर डिवाइस है, किसमें, थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं हम, उसमें आता है LNG20, ठीक है। उसमें आता है LNG20, जिसको क्या बोला जाता है, मिरेना, ठीक है, जिसको बोला जाता है मिरेना भी बोला जाता है। ये भी टी शेप की आईयूडी होती है जिसके अंदर क्या होता है, 58 mg लिवोनॉर्जेस्ट्रोल होता है, ठीक है। 58 mg क्या होगा, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल, ठीक है। ध्यान रखना, ये आईओडीज के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखा है। देखिए, मैं जो आपको ये बता रही हूँ ना तरीका पढ़ाने का, एक्चुअली मैं जब स्टडीज करती थी, मैं यहाँ पे जो भी बताती हूँ वो मैं अपने जो पर्सनल लाइफ में या जो मैंने यूज करा है और जो मुझे बेनिफिशियल रहा है मेरे लिए, मैं उस तरीके से यहाँ पढ़ाना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं तो अगर आपको उसके आसपास का थोड़ा नॉलेज अगर हो जाएगा, तो क्या है कि अगर उस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दूसरा बनता है अगर एग्जाम में, तो वो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। तो यहाँ क्वेश्चन तो सिर्फ कॉपर टी 380 का था, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा जितनी भी आईओडीज है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइंड ओसीपी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओसीपी होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ, वो किसके रिस्क को इंक्रीज कर देगा। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन सी इनफर्टिलिटी, ऑप्शन डी ओवेरियन कैंसर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ठीक है। जो कंबाइंड ओसीपी होते हैं ना, वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब देखिए, हम थोड़ा सा कंबाइंड ओसीपी जो होती है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली जो कंबाइंड ओसीपी जो होती है उसके अंदर हम मेनली दो ड्रग्स जो होती हैं, जैसे कि मान लीजिए माला एन, ठीक है, माला डी, इन इस नेम से क्या होता है, मार्केट में ये अवेलेबल होती है, ठीक है। जो माला एन होती है ना, ये गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती हैं दो कंटेंट, किसके, माला एन के अंदर। एक तो इसके अंदर होता है लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ठीक है, इसके अंदर एक तो होगा लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, और वो कितना होगा, 0.15 mg, ठीक है, कितना होगा, 0.15 mg। और सेकंड इसके अंदर होता है एथिनाइल एस्ट्राडाइल, होता है एथिनाइल एस्ट्राडाइल, ठीक है। और ये कितना होता है, 30 माइक्रोग्राम, म्योग्राम, 30 माइक्रोग्राम, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद में, इसके बारे में, तो ये एक पैकेट होता है जिसके अंदर टोटल जो होती है ना, 21 तो क्या होती है, हार्मोनल टेबलेट्स होती है, 21
21 तो क्या होती है, हार्मोनल टेबलेट्स होती है, और 7 जो होती है वो क्या होती है, फेरस फ्यूमरेट होती है। ठीक है, 7 क्या होगा, फेरस फ्यूमरेट। ठीक है, और इसका जो कोर्स हम स्टार्ट करवाते हैं पेशेंट से या किसी से भी, वो करवाते हैं ऑन द फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फिफ्थ डे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फिफ्थ डे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फिफ्थ डे से क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिफ्थ डे कैसे बोल सकते हैं कि जो ब्लीडिंग का फर्स्ट डे है उसको डे वन काउंट करते हैं, और फिफ्थ डे से क्या होती है, ये टेबलेट्स लेना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमडीआर इज द रेजिस्टेंस ऑफ। ठीक है, क्या पूछ रहा है, एमडीआर, एमडीआर क्या होता है, एमडीआर होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, एमडीआर होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, और मेनली एमडीआर जो होता है ना, वो टीबी वाले पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है, जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर। अब देखिए कि एमडीआर इज द रेजिस्टेंस, एमडीआर के अंदर कौन सी ड्रग का रेजिस्टेंस हो रहा है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए आइसोनियाजाइड, ऑप्शन बी रिफाम्पिसिन, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, मीन्स आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन बोथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। जो एमडीआर होता है ना, उसके अंदर आइसोनियाजाइड प्लस रिफाम्पिसिन दोनों का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिल्क रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिल्क जो होता है इसमें से किसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी आयरन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, आयरन जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन को मिल्क क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ। ठीक है, अब आशा क्या होता है, आशा होता है एक्रेडिटेड, आशा होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ये जो इसकी फुल फॉर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा की फुल फॉर्म। मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर आशा की फुल फॉर्म पूछी जाती है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसको रॉन्ग भी करके आते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट है ना एक्टिविस्ट, उसको बहुत सारे कुछ कोई एक्टिविटी डाल के आ जाता है, या कोई अलग अलग करके आ जाता है। एक्टिविस्ट जो होता है वो इतना इजीली लर्न नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन दे रखा है कि आशा जो होता है वो कौन से लेवल पे होता है। ऑप्शन दे रखा है ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन बी टर्शरी लेवल हॉस्पिटल, ऑप्शन सी सीएचसी मींस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन डी विलेज लेवल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, कि विलेज लेवल पे क्या होती है, आशा जो होती है, आशा वर्कर वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन इंडियन पॉपुलेशन इज। ठीक है, कि इंडियन पॉपुलेशन के अंदर मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी ओ नेगेटिव, ऑप्शन सी बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओ पॉजिटिव जो होता है वो मोस्ट कॉमनली इंडियन पॉपुलेशन के अंदर देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हाइट डेथ इज। ठीक है, व्हाइट डेथ जो है वो किसको बोला गया है। ऑप्शन दे रखा है ए ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी लेप्रेसी, ऑप्शन डी एड्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को क्या बोला गया है, व्हाइट डेथ। ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस को व्हाइट डेथ के साथ में व्हाइट प्लेग भी बोला गया है। ठीक है, उसको व्हाइट प्लेग भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, व्हाइट डेथ या व्हाइट प्लेग, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्यूबरक्यूलोसिस होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है, एक होता है व्हाइट लेप्रेसी। ठीक है, क्या होता है व्हाइट लेप्रेसी, वो किसको बोला गया, वो बोला गया लेशमेनियासिस, लेशमेनियासिस। ठीक है, अगर लोकल लैंग्वेज में देखें तो इसको बोलते हैं काला आजार, काला आजार को लेशमेनियासिस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट टाइम टू डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज। ठीक है,
तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का बेस्ट टाइम क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है ए 1 वीक बिफोर द मेंसुरेशन, ऑप्शन बी ड्यूरिंग मेंसुरेशन, ऑप्शन सी 5th डे ऑफ मेंसुरेशन, ऑप्शन डी 1 वीक आफ्टर द मेंसुरेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का बेस्ट टाइम होता है वो होता है 1 वीक आफ्टर द मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के 1 वीक बाद में जो होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए एडवाइस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन आशा वर्क फॉर, ठीक है, कि एक आशा वर्कर जो होती है वो कितने की पॉपुलेशन पे वर्क करती है? ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए 500 पॉपुलेशन, ऑप्शन बी 1000 पॉपुलेशन, ऑप्शन सी 1500 पॉपुलेशन, ऑप्शन डी 2000 पॉपुलेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, एक आशा जो होता है, एक आशा जो होती है वो किसकी 1000 की पॉपुलेशन पे एक आशा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इज डन विद इन, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बर्थ और डेथ दोनों का रजिस्ट्रेशन कितने टाइम ड्यूरेशन में करवा देना चाहिए या कितने टाइम में होता है? ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 10 डेज, ऑप्शन सी 21 डेज, ऑप्शन डी 30 डेज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। बर्थ और डेथ दोनों का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कितने टाइम में हो जाना चाहिए? 21 डेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमएमआर इज कैलकुलेटेड पर, ठीक है, कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं ए 100 लाइव बर्थ, ऑप्शन बी 1000 लाइव बर्थ, ऑप्शन सी 10,000 लाइव बर्थ, ऑप्शन डी 1 लाख लाइव बर्थ। ठीक है, तो अगर देखिए हम इसके फॉर्मूले की बात करें कि एमएमआर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो एमएमआर को कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ, अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। ठीक है, इस तरह से तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन डी, कि एमएमआर जो होता है वो 1000 लाइव बर्थ पे क्या करा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। यहां पर भी इसी तरह से करा हुआ, एमएमआर इज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग इज, ठीक है, कि मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग इसमें से कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है ए बॉट्यूलिज्म, ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन सी साल्मोनेला, ऑप्शन डी क्लोस्ट्रिडियम। तो करेक्ट आंसर है इसका, मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग जो है वो है ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस, जो है वो मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग है। अच्छा देखिए, अगर हम मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग देख रहे हैं ना, तो एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, हम देखते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग का मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? वो है डाइप्लोपिया या डिप्लोपिया, जैसे भी आप बोलना चाहें, डाइप्लोपिया। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रेफरल यूनिट इज, ठीक है, फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको बोला गया है? ऑप्शन ए पीएचसी, ऑप्शन सी सीएचसी, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन डी टर्शरी हॉस्पिटल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सीएचसी को क्या बोला जाता है? फर्स्ट रेफरल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर कोड फॉर द ऑक्सीजन सिलेंडर एट हॉस्पिटल्स इज, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर कलर कोड जो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कौन सा यूज किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए ब्लैक एंड व्हाइट टॉप, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी ऑरेंज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ब्लैक एंड व्हाइट टॉप, मींस सिलेंडर जो है वो तो ब्लैक होगा बट उसका जो टॉप होगा ना वो कैसा होगा? व्हाइट होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का ये होता है। देखिए, अगर हम N2O की बात करें तो N2O जो होता है ना, हम कलर की बात करें सिलेंडर की, सिलेंडर के कलर की बात कर रहे हैं, तो N2O जो होता है ना जिस सिलेंडर में होता है उसका कलर कैसा होगा? ब्लू। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा CO2 वो कौन से कलर में होगा? ग्रे में।
ठीक है। और साइक्लोप्रोपेन जो होता है, साइक्लोप्रोपेन वो कौन से कलर के कंटेनर के अंदर होगा या सिलेंडर में होगा? ऑरेंज कलर में, ठीक है। ये भी कलर कोडिंग है, ध्यान रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी? ठीक है, हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमिटी इसमें से कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए भोर कमिटी, ऑप्शन बी मुडालियर कमेटी, ऑप्शन सी चड्डा कमेटी, ऑप्शन डी मुखर्जी कमेटी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, भोर कमेटी जो है उसी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी बोला गया है, ठीक है। अगर देखिए हम इसके सेटअप की बात करें, हम बात करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा भोर कमेटी के बारे में। भोर कमेटी जो है वो 1943 के अंदर सेटअप करी गई थी, ठीक है, किसमें करी गई थी? 1943 के अंदर। और इसके चेयरमैन जो थे वो थे सर जोसेफ बोर, ठीक है। कौन थे इसके चेयरमैन? सर जोसेफ बोर, ये इसके चेयरमैन थे, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1946 के अंदर, क्या करी थी? अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा था, रिपोर्ट को सबमिट करा था, ठीक है। थोड़ा सा ही है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन? ठीक है, स्टरलाइजेशन का रिलायबल मेथड कौन सा है? ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी एल्कोहल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, हीट जो है इसको मोस्ट रिलायबल मेथड बोला गया है, किसका? स्टेरिलाइजेशन का। तो हीट जो है ना, एक्चुअली दो तरह की हीट प्रोवाइड करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, एक होती है ड्राई और एक होती है मॉइस्ट, ठीक है। और हीट कैसा मेथड है? फिजिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, ठीक है, कैसा मेथड है? फिजिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेजल कैथेटर शुड बी चेंज्ड एटलीस्ट आफ्टर एवरी, ठीक है। मतलब क्या पूछ रहा है कि जो नेजल कैथेटर हम यूज करते हैं हॉस्पिटल सेटअप्स में, उसको कितने आवर्स के बाद में क्या करते रहना चाहिए? चेंज करना चाहिए। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए 2 आवर्स, ऑप्शन सी 8 आवर्स, ऑप्शन सी 12 आवर्स, ऑप्शन डी 24 आवर्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कि नेजल कैथेटर को हर 8 घंटे के अंदर क्या कर लेना चाहिए? चेंज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेबीज फ्री जोन इन इंडिया, इंडिया के अंदर रेबीज फ्री जोन कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, जो लक्षद्वीप है वो कैसा है? रेबीज फ्री जोन है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कॉच टेप स्वाब टेस्ट इज डन टू डायग्नोस, ठीक है, कौन सा स्कॉच टेप स्वाब टेस्ट किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए थ्रेडवर्म, ऑप्शन बी हुकवर्म, ऑप्शन सी राउंडवर्म, ऑप्शन सी ऑप्शन डी कोलेरा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, जो थ्रेड वर्म होता है उसी के लिए स्कॉच टेप स्वाब टेस्ट करा जाता है, ठीक है। अगर देखिए हम थोड़ा सा थ्रेड वर्म के बारे में देखें, तो थ्रेड वर्म का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? वो होता है एंटेरोबियस वर्मेक्यूलोरेसिस, ठीक है। क्या होता है? थोड़ा टिपिकल है इसका नाम, एंटेरोबियस वर्मेक्यूलेरिस क्यूले रिस, ठीक है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है। इसको पिन वर्म या सिट वर्म भी बोला जाता है, इसको क्या बोल सकते हैं हम? पिन वर्म या सिट वर्म जो है वो भी बोला जाता है, ठीक है। अगर हम इसके साइनम सिम्टम्स की बात करें, तो इसके अंदर वही कॉमन लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट होगा, एनल रीजन के अंदर प्रूराइटस होगा, ठीक है, इचिंग वगैरह होगी। और डायग्नोसिस के लिए हमने देख ही लिया क्या करते हैं, स्कॉच टेप स्वाब टेस्ट करा जाता है। और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है अल्बेंडाजोल, ठीक है, क्या होती है? अल्बेंडाजोल होती है। और अगर इसकी डोज की बात करें, तो अल्बेंडाजोल कितनी दी जाती है? 10 mg/kg, ठीक है, 10 mg/kg के अकॉर्डिंग दी जाती है, और सिंगल डोज होती है, ठीक है, सिंगल डोज ही दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सीपीआर चेक द पल्स विद इन, ठीक है, सीपीआर
सीपीआर के लिए पल्स जो होती है वो कितने टाइम के अंदर चेक कर लेनी होती है हमें? ऑप्शन ए लेस देन 10 सेकेंड, ऑप्शन बी 15 सेकेंड, ऑप्शन सी 20 सेकेंड, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए कि कम से कम 10 सेकेंड के अंदर हमें क्या करना है, सीपीआर के लिए पल्स को चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लंट चेस्ट ट्रोमा अफेक्ट। ऑप्शन दे रखा है ए राइट एट्रियम, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो राइट एट्रियम होता है ना, तो ब्लंट चेस्ट ट्रोमा से मोस्टली राइट वेंट्रिकल ही क्या होता है, अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसके इक्वल होता है? ऑप्शन दे रखा है ए 4 किलो कैलोरी, बी 5 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 6 किलो कैलोरी, नेक्स्ट 7 किलो कैलोरी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी के इक्वल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 17 किलो जूल। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो होता है वो भी किसके इक्वल होता है, वो भी 4 किलो कैलोरीज के ही इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम ऑफ फैट की बात करें, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 9 किलो कैलोरीज के इक्वल। ठीक है, और 1 ग्राम ऑफ एल्कोहल, 1 ग्राम ऑफ एल्कोहल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 7 किलो कैलोरीज के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच बोथ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फेरेनहाइट इज सेम। ठीक है, कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फेरेनहाइट सेम होते हैं? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी -20 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री, ऑप्शन डी -40 डिग्री। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, -40 डिग्री जो होता है उस पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फेरेनहाइट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है? ऑप्शन दे रखे ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी एक्सिला, ऑप्शन सी रेक्टल, ऑप्शन डी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, रेक्टल जो होता है मेथड टेम्परेचर लेने का वो मोस्ट रिलायबल होता है। ठीक है, और रेक्टल के अंदर थर्मोमीटर को कितने टाइम के लिए प्लेस करते हैं, 2 मिनट्स के लिए। ठीक है, और अगर हम इंसर्शन की बात करें, ठीक है, कि कितना थर्मोमीटर जो है उसको रेक्टल में इंसर्ट करा जाएगा, तो अडल्ट के अंदर तो हम करते हैं 1.5 इंच, 1.5 इंच, और चिल्ड्रन या इन्फेंट वगैरह जो है, चाइल्ड बोल सकते हैं या इन्फेंट के अंदर कितना करते हैं, 1 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्पोजेबल थर्मोमीटर शोज द टेम्परेचर विद इन। ठीक है, जो डिस्पोजेबल थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर कितने टाइम के अंदर शो कर देता है? ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए 30 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 35 सेकेंड्स, ऑप्शन सी 40 सेकेंड, ऑप्शन डी 45 सेकेंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी कि 45 सेकेंड्स के अंदर डिस्पोजेबल थर्मोमीटर क्या कर देता है, टेम्परेचर को शो कर देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 का जो रायपुर एम्स का पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीपी रेगुलेशन सेंटर। ठीक है, कि बीपी का रेगुलेशन सेंटर कौन सा होता है? ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी मेड्युला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन सी पोन्स, ऑप्शन डी सेरेबेलम। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मेड्युला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, बीपी रेगुलेशन सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गॉज ऑफ नीडल इज यूज्ड फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए कौन सी गॉज का, नीडल का यूज किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए 18 गॉज, ऑप्शन बी 20 गॉज, ऑप्शन बी 22 गॉज, ऑप्शन डी 24 गॉज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 18 गॉज का जो नीडल होता है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, अगर देखिए हम थोड़ा कैनुला की बात करें, तो अगर 18 गॉज का कैनुला है तो वो कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का, 20 गॉज का होगा ब्लू कलर का, देन 20 वाला होगा पिंक कलर का, 22 का होगा ब्लू कलर का, और 24 का होगा येलो कलर का।
ये जो होता है ना येलो वाला, ये पीडियाट्रिक के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, मोस्टली पीडियाट्रिक के अंदर यूज किया जाता है। फीमेल के लिए ब्लू किया जाता है क्योंकि मोस्टली डिहाइड्रेशन होता है, एनीमिक होती है, उनके अंदर ब्लू कलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकलाइज्ड कॉज ऑफ द बेड सोर, ठीक है, बेड सोर का लोकलाइज कॉज क्या होता है? ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी मॉइस्चर, ऑप्शन सी फ्रिक्शन, ऑप्शन डी इस्कीमिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इस्कीमिया जो होता है या इस्चीमिया जो भी आप बोलना चाहें, वो उसका बेड सोर का क्या होता है, लोकलाइज्ड कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेटिस्फैक्ट्री बीसीजी वैक्सीनेशन शुड प्रोड्यूस अ व्हील ऑफ, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि एक बीसीजी वैक्सीनेशन है उसका सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री मींस कि हमें पता चल जाए कि इतने एमएम का अगर व्हील बन रहा है या इतने एमएम का सर्कल बन रहा है तो हमारा वैक्सीनेशन सही है। ऑप्शन दे रखा है ए 2 mm, बी 3 mm, ऑप्शन सी 4 mm, ऑप्शन डी 5 mm। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ठीक है, कि अ सेटिस्फैक्ट्री बीसीजी वैक्सीनेशन शुड प्रोड्यूस अ व्हील ऑफ 5 mm डायमीटर, ठीक है, 5 mm डायमीटर का क्या बनना चाहिए, व्हील बनना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि जो बीसीजी वैक्सीनेशन हमने दिया है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का रूट क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है ए इंट्रामस्कुलर, बी सबक्यूटेनियस, सी इंट्राडर्मल, ऑप्शन डी ओरल। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का रूट जो होता है वो होता है इंट्राडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट आर सीन इन, ठीक है, कि कॉप्लिक स्पॉट जो है वो किसमें देखे जाते हैं? ऑप्शन ए है मीजल्स, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी रुबेला, ऑप्शन डी पर्ट्यूसिस। तो करेक्ट आंसर है इसका मीजल्स, ठीक है, मीजल्स की जो डिजीज होती है उसके अंदर क्या देखा जाता है, कॉप्लिक स्पॉट्स देखे जाते हैं। और कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होता है कि जो लिप्स होते हैं, जो लोअर लिप होता है उसके पीछे की तरफ वाइट क्रिस्टल लाइक, ठीक है, बोल सकते हैं हम व्हाइट क्रिस्टल लाइक स्पॉट्स, ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट्स को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, और किसमें प्रेजेंट होते हैं वो मीजल्स की डिजीज के अंदर देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेन ऑफ रूबेला वैक्सीन इज, ठीक है, रूबेला वैक्सीन का स्ट्रेन क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए RA20/3, ऑप्शन बी RA20/9, ऑप्शन सी RA27/3, ऑप्शन डी RA27/9। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ठीक है, रूबेला वैक्सीन का स्ट्रेन कौन सा होता है, RA27/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, ठीक है, मम्स का कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए असेप्टिक मेनिनजाइटिस, ऑप्शन बी ऑर्काइटिस, ऑप्शन सी पेनक्रेटाइटिस, ऑप्शन डी ओवेराइटिस, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये चारों ही कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं किसकी, मम्स की, ठीक है, बट यहाँ पे पूछा है सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी है, तो सबसे कॉमन जो है वो है ऑप्शन ए असेप्टिक मेनिनजाइटिस जो होती है वो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है मम्स का। क्वेश्चन, शिक टेस्ट इज डन फॉर, ठीक है, शिक टेस्ट जो होता है वो कौन सी डिजीज के अंदर करा जाता है? ऑप्शन दे रखा है ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी पर्ट्यूसिस, ऑप्शन सी टीटेनस, ऑप्शन डी पोलियोमाइलाइटिस। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, डिप्थीरिया की डिजीज को डायग्नोज के लिए जो होता है शिक टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइपोड साइन इज सीन इन, ठीक है, ट्राइपोड साइन कौन सी डिजीज के अंदर देखा जाता है? ऑप्शन दे रखा है ए पोलियोमाइलाइटिस, बी टाइफाइड, सी मीजल्स, डी कॉलेरा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पोलियोमाइलाइटिस की कंडीशन के अंदर ट्राइपोड साइन देखा जाता है, ठीक है। और ट्राइपोड साइन क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो चेयर पे बिना सपोर्ट के नहीं बैठ पाता है, ठीक है, ट्राइपोड साइन हम क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड कांट सिट ऑन चेयर विदाउट सपोर्ट, ठीक है, बिना सपोर्ट के क्या हो नहीं हो पाता है, वो चेयर पे नहीं बैठ पाता है, उसको बोलते हैं ट्राइपोड साइन, और किसमें देखते हैं, पोलियोमाइलाइटिस की कंडीशन के अंदर। तो ये था हमारे आज के वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर हम 50 क्वेश्चंस और लेके आएंगे और इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे।
और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।